अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और आज हम मौजूद हैं नापा में, नेशनल एकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स में। आप सुन रहे होंगे कि मेरे पीछे बहुत शोर है क्योंकि इवेंट शुरू हो चुका है, तो आइए आपको दिखाते हैं कि आज के इस इवेंट में क्या क्या होता है। दोस्तों, हम जैसे ही इंटर हुए तो सबसे पहले हमने पश्तो की प्यारी धुन सुनी, इसके बाद लाइव पियानो की परफॉर्मेंस देखी, दोस्तों उसके बाद इंसानी नफ्सियात पर मबनी एक बड़ा प्यारा एक्ट देखा जिसको नापा के स्टूडेंट्स ने तैयार किया था। और दोस्तों इतनी संजीदा परफॉर्मेंस के बाद अब म्यूजिक का तड़का तो बनता है। दोस्तों इसके बाद हमने सुनी बांसुरी की एक सुरीली परफॉर्मेंस,
और दोस्तों वॉयलिन का आवाज अपने आप में ही एक सुरीला इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद हमने खमाज सॉन्ग की परफॉर्मेंस देखी जो कि नापा के एक स्टूडेंट ने परफॉर्म किया। और दोस्तों चंग जो है वो एक सिंध का बड़ा खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट है, उसको हमने एंजॉय किया, सिंध और राजस्थान का। आज हमारे साथ भाई जुल्फकार भाई मौजूद हैं। जुल्फकार भाई कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप? भाई बहुत ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है यहाँ नापा में, तो ओपन हाउस इनविटेशन है, यहाँ पर आप लोग भी अभी आके देख सकते हैं। खैर अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो कोई इशू नहीं है, एंजॉय करें जो आपको अगर भाई दिखा रहे हैं, एंजॉय करें। हाँ और नापा का पेज जो है ना वो फेसबुक पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बिल्कुल, और क्या हो रहा है जुल्फकार साहब? बस यही इंजॉय कर रहे हैं। आज बहुत सारे बच्चों ने, म्यूजिशियंस ने, नए आने वाले आर्टिस्ट ने, उन्होंने कुछ परफॉर्मेंसेस तैयार किए, उनको देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। धूप भी है हल्की फुल्की लेकिन मज़ा आ रहा है। बिल्कुल, और सर्दी की जो धूप है ना वो मज़ेदार सी, वो बहुत मज़ेदार सी है। तो आप भी हमारे, और आपने उस धूप को धूपा कर दिया, धूपा धूप में आके आपने चार चांद लगा दिए, तो बड़ी हो गई धूप। तबला की एक खास परफॉर्मेंस, इसके अलावा दास्तान गोई की बड़ी ही प्यारी परफॉर्मेंस। खुदा झूठ ना बुलाए तो हमारे अब्बा जान से 50-60 बरस बड़े ही होंगे, और अम्मा को तुमने गोद पे खिलाया हो तो ताज्जुब नहीं, मगर वही किस्मत के आप और मेरे शोहर जमीन शक हो तो मैं घर जाऊं। हुजूर इसका जवाब किसी मुंशी पे बदल से ही लिखवाइए। अब बुढ़ापे में कभी शादी नहीं करेंगे। बहुत खूब, अब भी शादी की कोई हवस बाकी है, पेट नहीं भरा इसका जवाब। और दोस्तों मैंने जब पियानो देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं भी पियानो पे अपनी धुन बजाने लगा, लेकिन क्योंकि परफॉर्मेंस हो रही थी, शोर इतना था और आवाज़ इतनी थी कि मैं सही तरह से अपने स्केल के हिसाब से कोई धुन बजा नहीं पाया, लेकिन जो भी बजाई आपके सामने हाजिर है। क्या बात है भाई, क्या बात है।
तो दोस्तों अब अफजल भाई से पूछते हैं कि आज का इवेंट जो है वो कैसा लगा इनको। अफजल भाई आज पूरे इवेंट में हमारे साथ थे और एक एक परफॉर्मेंस सब इंजॉय किए हैं। सबसे पहले अफजल भाई मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे मतलब बताया इस इवेंट के बारे में और इतने बेहतरीन इवेंट में आप मुझे लेकर आए हैं और हमेशा जैसे आप करते हैं। और उसके बाद जब यहाँ आए तो पहला जो इवेंट देखते ही जो पहली परफॉर्मेंस थी जिसके अंदर वो लाइव परफॉर्म कर रहा था बंदा, मतलब मुझे ऐसे लगा कि यार शायद उसका किसी से झगड़ा हो गया या कोई इश्यू सीरियस हो गया है। और बाद में पता चला कि वो उसकी एक्टिंग का हिस्सा है, वहीं से ही पता चल गया कि ये कोई आम जगह नहीं है, ये नापा वाकई एक जगह है जहाँ पर आर्टिस्ट आके परफॉर्म करते हैं। फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक और सबसे आखिर में जो माशाल्लाह आपने खुद जो वो बजाया माइनर स्केल बजाया, क्या खूबसूरत बजाया अज़र भाई, मतलब थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे मौके जो है हमारे को बताते रहा करें और हम जो है इसी तरह आपसे मुफीद होते रहते हैं हर तरह से। जी दोस्तों मुख्तलिफ इदारे हैं जिस तरह नापा है, आर्ट कौंसिल है, तो अगर आप इनके कराची में हैं और इनके फेसबुक पर और इनके वेबसाइट पर अगर चेक इन करते रहेंगे ना तो इस तरह की बहुत सारी इवेंट्स हैं जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं और जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। तो यहीं पर आपको खुदाफिज़ करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।